तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है। जसप्रीत बुमराह ने तूफान मचा दिया भाई साहब। इंग्लैंड के खिलाफ 6 विकेट ले लिए जसप्रीत बुमराह ने। जाहिर तौर पर लगातार जसप्रीत बुमराह बेहतर परफॉर्मेंस करते जा रहे हैं, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को आउट करते जा रहे हैं। शानदार परफॉर्मेंस जसप्रीत बुमराह की रही है। लेकिन इस मैच में जसप्रीत बुमराह की 3 तस्वीर वायरल हो रही है। 3 तस्वीरों में खासतौर पर जसप्रीत बुमराह की यह बताया गया है कि भाई साहब उनकी ताकत क्या है, वो किस ताकत के दम पर अपना लोहा मनवा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जसप्रीत बुमराह की 3 तस्वीर दिखाता हूं, उसके बाद में जसप्रीत बुमराह की बातें करते हैं। सबसे पहली तस्वीर ये जसप्रीत बुमराह की है, जब बेन स्टोक आप लोगों को दिख रहा होगा, जब बेन स्टोक आउट हुए थे, उसके बाद में बेन स्टोक किस अंदाज में आप देख रहे होंगे, बेन स्टोक किस अंदाज में जब उनका ऑफ स्टंप जो था उड़ गया था, तो बेन स्टोक ने अपना बल्ला छोड़ दिया था। बेन स्टोक ने अपना बल्ला छोड़ दिया था और ये जताने की कोशिश कर रहे थे हाथ फैलाकर बेन स्टोक कि भाई साहब ये गेंद तो मुझे समझ में नहीं आई, ये गेंद तो नीची रह गई। बेन स्टोक के ऊपर बवाल मच गया। बेन स्टोक ये कहने लगे, अंपायर से इशारा करने लगे कि भाई साहब ये गेंद कैसी थी, ये गेंद तो समझ में नहीं, नीची रही थी। लेकिन भाई साहब ये बेन स्टोक की एक तरीके से बेईमानी थी। बेन स्टोक, हकीकत तो ये है कि बेन स्टोक जसप्रीत बुमराह की गेंदों पर चारों खाने चित हो गए। बेन स्टोक का बल्ला गेंद पर नहीं आ पाया और उनका ऑफ स्टंप उड़ गया। जसप्रीत बुमराह ने ऑफ स्टंप उड़ा दिया और भाई साहब बेन स्टोक देखते रह गए। तो सबसे पहले जसप्रीत बुमराह की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसकी इस वक्त बड़ी चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा हो रही है। और यह कहा जा रहा है कि बेन स्टोक साहब, जब आप आउट हो गए तो आप क्यों जसप्रीत बुमराह की तरफ इशारा करने लगे, अंपायर की तरफ इशारा करने लगे, यह गेंद तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, इस गेंद में कोई कमी नहीं थी। उसके बाद में जसप्रीत बुमराह की दूसरी गेंद, पहले मैं आंकड़े आप लोगों को बता देता हूं, उसके बाद में दूसरी गेंद के बारे में बताऊंगा। आंकड़े ये है कि जसप्रीत बुमराह 3 5 विकेट साउथ अफ्रीका में ले चुके हैं, 2 5 विकेट होल वेस्ट इंडीज में ले चुके हैं, 2 5 विकेट होल इंडिया में ले चुके हैं, 2 5 विकेट होल इंग्लैंड में ले चुके हैं, 1 5 विकेट होल ऑस्ट्रेलिया में ले चुके हैं। कुल मिलाकर बात ये, जो बड़ी बड़ी टीमें हैं उनके खिलाफ जसप्रीत बुमराह 5 विकेट होल ले चुके हैं, जैसे साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इंडिया में मतलब दो बार ये कारनामा कर चुके हैं, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया की धरती पर। भाई साहब जसप्रीत बुमराह जैसा कोई नहीं है। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि जसप्रीत बुमराह की ताकत क्या है। उसके बाद में जो एक और जसप्रीत बुमराह की तस्वीर वायरल हो रही है, वो ये कि भाई साहब ये देखिए ये डंडे उड़ गए, ये डंडे उड़ गए, तीनों डंडे उड़ गए। ऐसी यॉर्कर जसप्रीत बुमराह ने मारी कि इंग्लैंड के बल्लेबाज चारों खाने चित हो गया। पता ही नहीं चली कि कहां यॉर्कर थी, कहां गेंद थी, कैसे था, कुछ पता नहीं चला। भाई साहब ऐसा बोल्ड मैंने जसप्रीत बुमराह का बहुत लंबे वक्त बाद देखा है। मतलब वो पुराना दौर याद आ गया जसप्रीत बुमराह का इस यॉर्कर को देखकर, जब उन्हें यॉर्कर किंग कहा जाता था, उनकी यॉर्कर सटीक डंडे पर लगती थी। आज जसप्रीत बुमराह की इस यॉर्कर को देखकर वो पुराने दिन याद आ गए। तो जाहिर तौर पर जसप्रीत बुमराह की इन गेंदों को, जसप्रीत बुमराह की इस ताकत ने बता दिया कि हमारा जस्सी वापस आ गया है, दोबारा से उसके अंदाज में खेलता हुआ नजर आ रहा है। तो आपका जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी पर क्या कहना है? बेन स्टोक के आउट जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने किया, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? साथ ही जसप्रीत बुमराह की ये यॉर्कर आपको कैसी लगती है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।